तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रूस के दौरे पर जा रहे हैं। अब इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें तो मिर्ची लगना तय ही माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी रूस जा रहे हैं ठीक उसी दिन अमेरिका में नाटो समिट होनी है। ये समिट रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर सेंटर्ड होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो नाटो को आप रूस के अगेंस्ट समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में चीन का क्या रोल है, इस विजिट से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और इस विजिट का रूस और भारत के रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस का दौरा है और पहला बायलेटरल विदेशी दौरा भी है। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस जा रहे हैं, इस वजह से यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि इस समय अमेरिका में नाटो समिट भी हो रहा है इसलिए इसको काफी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। आइए पहले समझते हैं कि ये नाटो क्या है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज थी। नाटो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया गया था। तब एक तरीके से दुनिया दो पोलर्स में डिवाइडेड थी, एक सुपर पावर अमेरिका था और दूसरा सोवियत यूनियन। अब जब सोवियत यूनियन टूट चुका है और सिर्फ उसका रूस बचा है तो इसे रूस के खिलाफ माना जाता है। अब रूस और यूक्रेन बीते करीब 2.5 साल से युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध में नाटो का सपोर्ट यूक्रेन को है। इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देश दो टीम्स में डिवाइडेड से हैं। दुनिया दो धड़ों में है, एक जो रूस की तरफ है और दूसरा जो रूस के अगेंस्ट है। इसी लिहाज से नाटो का ये समिट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इसका एजेंडा क्लियर है रूस के खिलाफ। अब अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि एक तरफ जब सभी वेस्टर्न कंट्रीज रूस के खिलाफ है, नाटो जैसे समिट हो रही है, ठीक उसी वक्त भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के रूस दौरे को नाटो समिट के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो बात अलग है कि भारत के विदेश सचिव ने मीडिया से कहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरीके से बायलेटरल है। जानकारों के मुताबिक इस मीटिंग से रूस दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं है और भारत जैसा मजबूत देश उसका दोस्त है। ब्लूमबर्ग न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मामलों के एक जानकार ने उस रिपोर्ट में ये कहा कि मोदी के रूस दौरे पर पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि रूस इंटरनेशनल लेवल पर काफी स्ट्रांग है अभी भी, क्योंकि उसके साथ भारत है। ये ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। अब समझते हैं कि इस विजिट का रूस और भारत के रिलेशंस पे कैसा असर पड़ेगा। आज के इस दौर में रूस और भारत के संबंधों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में रूस और चाइना की दोस्ती भी बढ़ रही है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना भारत का मेन कंपटीटर है। ये एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी की जैसा है। रूस और चीन की दोस्ती बढ़ रही है और भारत रूस का पुराना दोस्त रहा है। इस ट्रायंगुलर रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय अपने विदेश मंत्री को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। फिलहाल इस विजिट से चीन से रूस की बढ़ती नजदीकियों को भी देखा जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन अपना पहला विदेशी दौरा चीन का किए थे। इस दौरे से रूस की चीन पर निर्भरता पता चली थी, जिस पर भारत की भी निगाहें थी कि रूस कितना ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है कि वो उसे भी खुश करने की कोशिश में लगा है। रूस और चाइना के गहराते रिश्ते भारत को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो कर ही रहे हैं। ये ऐसा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त आपके दुश्मन के साथ दोस्ती कर बैठा हो। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए पीएम मोदी का रूस जाकर पुतिन से मिलना समझ में आता है और इसे एक जवाब भी माना जा रहा है। पीएम मोदी की रूस यात्रा की बात करें तो उनकी आखिरी यात्रा 2019 में हुई थी। वो एक आर्थिक मंच के लिए हुई थी, जबकि उनकी पिछली मॉस्को यात्रा 2015 में हुई थी। इसके बाद पुतिन 2021 में दिल्ली आए
और पिछले 10 साल में 16 बार दोनों नेता एक दूसरे से मिल चुके हैं। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो फिलहाल भी कितनी मजबूत है। भारत और रशिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो भी काफी पुराने हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत यूनियन ने भारतीय सैन्य हथियारों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया था। भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% जो प्लेटफॉर्म है वो सोवियत संघ द्वारा ही प्रदान किए गए थे 1990 में। तो रूस और भारत की जो दोस्ती है उसका इतिहास तो एक काफी पुराना रहा ही है। 90 के दशक से ही रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब अब इंटरनेशनली एक ऐसा माहौल बन रहा है कि रूस अलग थलग है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रूस के अगेंस्ट आ चुकी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब रूस जाते हैं तो उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और चाइना भी, उन सबको मिर्ची लगना तो तय है। आपको क्या लगता है, ये जो विजिट हो रही है क्या ये एक नॉर्मल विजिट है, एक बायलेटरल विजिट है, या इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में।